ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है केवल जांच का कार्य करती है, विकास का काम में विश्वास नहीं करती। 2-2.5 साल हो गया, न कहीं सड़क बना, न पुल बना, न हॉस्पिटल बना, न स्कूल बना, न सड़क बनी। अपना तो विकास कर ही नहीं रहे, जो विकास किया है केवल इसकी जांच कराएंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो विरोधी पार्टी के लोगों को हर तरह से प्रताड़ित करना चाहती है, जेल भेजना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने हर काम ईमानदारी से किया है और उसकी कोई परवाह हम लोगों को नहीं है, चाहे जिससे भी वो जांच करवा ले। सर, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर केसेस वापस लिए जा रहे हैं और अब तक कई तमाम केसेस हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा केसेस हैं, वो वापस सरकार कर चुकी है। इसलिए वापस कर चुके, फिर उसको दंगा कराना उन्हीं लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का दंगा कराना एक मुख्य काम है, हिंदू मुसलमान का नारा देना, हिंदू मुसलमान को अलग करना और हिंदू मुसलमान को दंगा कराने के लिए उकसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जब खुद दंगा भड़काने 307, 302 और कितने धाराओं में मुकदमा थे, उसको वापस ले लिया अपने मुकदमे को खुद मुख्यमंत्री जी ने। अब जो मुजफ्फरपुर का दंगा देश और दुनिया में चर्चित हो गया था और अपराधियों को इसे मुकदमे वापस हो जाएंगे, फिर लोगों के मन से भय तो खत्म हो जाएगा। रोज दंगे होंगे, रोज मारकाट होंगे, रोज डकैती होगी, रोज अपहरण होंगे।